हाँ जी जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैजिक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दही बल्ले, इंस्टेंट दही बल्ले, सूजी से बनकर तैयार होंगे। और ये दही बल्ले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट भी बहुत होते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है। दाल भिगोनी है और पूरी रात दाल भिगो के रखनी, उसको पीसना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूजी से दही बल्ले बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमने यहाँ पर मिक्सिंग बोल ले ली है और उसके अंदर हम डालेंगे सूजी। आपके पास कौन सी भी सूजी है वो भी डाली जा सकती है, मोटी है, पतली है, जो भी है उससे आप भल्ले बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सूजी जो होती है वही सूजी है। तो इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही मैंने आधी बोल लिया है, तो अच्छे से फेट कर दही लिया था वो डाल दिया है। और थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिलाते रहेंगे, अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने सूजी को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। सूजी देखिए अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है। तो हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि हमें भल्ले बनाने हैं और इसने अच्छे से जो सूजी ने सारा सारी चीज़ें अब्जॉर्ब कर ली है, सूजी फूल चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे इनो इनो, या आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बिल्कुल कुछ बूंदे, और डालकर मिक्स कर लेंगे। मिलाने के बाद अभी बारी आती है, इसके अंदर हमने ग्रेटेड अदरक डालना है। आपको पसंद है तो डालिए, तो आप थोड़ा सा लहसुन भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया है, 4 मिर्ची मैंने बारीक कटी हुई हरी वो डाल दी है, आधी चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिलाने के बाद अभी हमारे भल्लों के लिए बैटर जो है तैयार है। तो चलते हैं भल्ले को फ्राई करने की ओर। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर भल्ले डालेंगे अपने हिसाब से, जितने आप मोटे रखना चाहे, जैसे वैसे के मीडियम साइज़ है, फूलकर बहुत ही अच्छे बड़े से हो जाते हैं। और मैं डाल रही हूँ हाथों से, इस तरीके से भल्ले अंदर छोड़ते जाएंगे, बहुत ही अपने आप ही शेप ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी शेप बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से बैटर को हम तेल के अंदर छोड़ते जाएंगे, जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने डाल देंगे, और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से होने तक हम इसको सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया, देखिए आप, अब आप देख रहे हैं अपने आप ही फूलकर ऊपर आ रहे हैं, और ये देखिए अपने आप ऊपर तेल के ऊपर तैर रहे हैं। इसको हमें अच्छा गोल्डन होने तक दोनों ओर से फ्राई कर लेना है। तो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हमारे बल्ले, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूल चुके हैं। तो अभी हम इन बल्लों को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी हुए बचे हुए बल्लों को भी इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं दही लिया है, मैंने 1 किलो के करीब लगभग दही होगा, तो इसको हम अच्छे से फेट कर तैयार करेंगे पहले, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ और लम्ब्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से फेट लेना है। तो अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। नॉर्मल नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, टेस्ट को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि हम दही बल्ले बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर जो जीरा होता है उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, तो वो हमने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। इसका फ्लेवर जो है दही बल्लों के टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काट कर बारीक काट के वो डाल दी है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है। तो पानी अच्छा सा डाल देंगे, क्योंकि दही को थोड़ा पतला ही करेंगे, क्योंकि जब जब हम इसके अंदर भल्ले डालेंगे तो ये बहुत ही गाढ़ा सा हो जाएगा। दही की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। देखिए मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो दही हमारा बनकर तैयार है। इधर भल्ले भी देखिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है एक बाउल के अंदर, उसके अंदर हम भल्लों को थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे, 1 मिनट के लिए भल्ले पूरे जितने बाउल के अंदर आ जाएंगे डाल देंगे, और अच्छे से इसको डिप करते हुए फिर हम इसको इसका पानी निकालते हुए बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम दही में डालेंगे इसको। इस तरीके से करने से भल्ले क्या होंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी पानी के अंदर निकल जाएगा। ऐसे हाथों से निचोड़ते हुए इसको बाहर निकाल लेना है, तो उसके बाद दही के अंदर डाल देना है। पानी से निकालने के बाद अब हम जो भल्ले तैयार हुए हैं उसको हम दही के अंदर डाल देंगे, जितने ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए मैंने कितने डाले हैं, इतने भल्ले ही बहुत ही है, क्योंकि जब ये दही को अब्जॉर्ब करेंगे तो डबल हो जाएंगे, तो दही की मात्रा कम हो जाएगी। तो आपको बाद में दिखाएंगे, अभी मैंने भल्ले डाल दिए हैं, तो 1 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कैसा दही बना है।
एक घंटे बाद देखिए भल्ले कितने अच्छे से डबल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, दही की मात्रा भी कम हो चुकी है क्योंकि ये गाढ़ा सा दही अब रह गया है और भल्लों ने काफ़ी हद तक दही को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं, भल्ले कम ही डालेंगे तो दही अच्छा रहेगा, इस तरीके से हो जाते हैं बढ़िया से, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा, पहले आपको पतले लगेंगे, जब ये सॉफ्ट होकर तैयार होंगे तो दही इस तरीके का लगने लगेगा। ऊपर से मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, सर्व कर दिया है, आप इसको इंजॉय कीजिए। इस तरीके की रेसिपी बहुत ही अच्छी है और जल्दी बनकर तैयार होती है, तो भल्ले को इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।